हालेलुया। कोई तुहाडे ते जिन्ना मर्जी फेवर करना चाहे तां वी तुसी फेवर नहीं लै सकदे। अगर तुसी नॉन बिबलीकली डिस्कशन करदे आ, तुसी एकांत दे विच बुराई करदे दूजियां दी, चुगली करदे, निंदिया करदे, तुसी कोई तुहाडे ते जिन्ना मर्जी फेवर करना चाहे तां वी तुसी फेवर तो वांझे रह जाणा। क्योंकि इस गल नूं समझण दी लोड़ आ कि लाइफ मेरी आ, कटोरा मेरा वा, दूजे का कटोरा भरिया मेरी हैल्प कर सकता पर मेरा कटोरा मैनू ही भरना पवेगा। हालेलुया। सो लोगों तो हर्ट होना बंद करो। हालेलुया। किसी तो हर्ट ना होवो। मैं मंगलवार एक गल शेयर की सी, तुसी ये भी क्वेश्चन कर सकते पास्टर जी ये सिखाओ लोग हर्ट ना करन, तो मैं ये गल दसो यीशु मसीह नहीं कह सकते यहूदा मैनू हर्ट ना करे? यीशु मसीह नहीं कह सकते जो यीशु मसीह दे उत्ते महंगा 300 दिनार दा अतर जेड़ा मरियम ने डोलिया तो यहूदा सब तो ज़्यादा बुड़बुड़ाया, नाल ही यीशु मसीह दे कन्ना च पै रही आवाज कि ये वेस्ट कातों किया गया, ये कंगालां नूं दित्ते जा सकदे पैसे। सोचो यीशु दे दिल ते की बीतदी होगी, जेड़ा दुनिया का मालिक, जेड़ा दुनिया नूं बचाउण आया सी, जिहदे द्वारा सारा कुछ बणिया, उहदे ते जो सिट्टिया गया ऑयल वह कह रहा वेस्ट किया, सोचो उहदे दिल ते की बीतदी होगी। पर हर्ट नहीं होया। हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी हर्ट होने तैयार हाँ, दुनिया तुहानू हर्ट करन तैयार, और डैवल तुहानू हर्ट करन तैयार है। और जो इंसान हर्ट हुंदा असर किते पैंदा आत्मिक जीवन ते, प्रेयर च मन लगना। मैं आयत पढ़ाई सी इब्रानिया 12 कहिंदा कि अक के किते अपने जी विच ढिले ना पै जाओ। मैं तुहानू सारयां नू इनकरेज करना चाहुंदा अक के जी च ढिले ना पै जाओ। जदों इंसान एक जी दे विच ढिला पै जांदा तो उहदा मन की हुंदा, मैनू लगता नहीं चर्च गुड हैल्प मी, चर्च मेरी हैल्प करेगा, मैं लगता नहीं कि प्रेयर आंसर लेके आऊगी, जी च ढिला पै गया, हर्ट हो गया। हालेलुया। मैं वड्डे वड्डे लोगों की एग्जाम्पल जानता जिहड़े धरती ते जीए आ, पर मैं एग्जाम्पल तुहानू दसनी नहीं गी, मैं दसांगा सही टाइम ते, वो हर्ट हो गए और उन्होंने तो हैंडल नहीं कर हुई वो चीज़, और वो प्रेजेंस तो दूर चले गए। हालेलुया। लोगों तो हर्ट ना हो, अपना मिशन देखो प्रभु च, मेरा मिशन की है, वो मिशन च लगे रहो, सवेर शाम दोपहर वो मिशन वाल ध्यान दो, मिशन वाल फोकस दो। हालेलुया। और परखो, परमेश्वर तो ग्रेस मंगो, परमेश्वर सही लोगों के नाल मेरी बैणी उठनी होवे, वो लोग नहीं जिहड़े मूँह दे मिठे आ, वो लोग जिहड़े हो सकदा सीधा मैनू मेरी गलती दसन वाले होण पर मैनू प्यार करन वाले होण, पर वो लोगों तो परमेश्वर तुहानू बचाऊगा जिहड़े पिछों चालां कढ़दे आ, जिद्दां दाऊद ने दुआवां कीतियां। हालेलुया। कई बार तुहानू पता नहीं लगता, तुहानू जिहड़े लगदे ना मेरे आ, वो तुहाडी बैक ते तुहाडी बुराई चाहुंदे हुंदे, तुहाडा डाउनफॉल चाहुंदे हुंदे कि नहीं इह कदों डिगूगा, कदों इहदे घरों मैनू बैड न्यूज़ आऊगी, कदों इह आत्मा च डाउन जाऊगा जां जाऊगी। पर कुछ हुंदे जिहड़े डायरैक्ट तुहाडे नाल, थोड़ा तुहानू लगदा इह मैनू प्यार नहीं करदे, इह डायरैक्ट कौड़ा जिहा लफ्ज़ कहिंदे, पर उह सच्ची तुहानू प्यार करदे हुंदे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुहानू एवें नहीं कह रहा, मैनू पता है। हालेलुया। परमेश्वर तो ग्रेस मंगो, उहदी आत्मा दे फल। जिंदगी च लोगों तो हर्ट ना होवो, कदी ना होवो। और मैं तुहानू एक गल कहनी चाहुंदा, यीशु मसीह काफ़ी आ तुहाडे लई। अगर तुसीं उहना रिलेशन सही बना लो काफ़ी आ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ ਚਾਹੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਲਸੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਨ ਰਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ 'ਚ ਜੇਠਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕੀਏ ਉਹ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬੋਝ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ, ਪੂਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ।
पर मैं तुहानूं इह गल कहना चाहुंदा वी भरोसा परमेश्वर ते रखो। जिहड़े तुहानूं लगदा मेरी लोग मदद कर रहे आ, परमेश्वर ने हुक्म दिता उह तां मदद कर पा रहे। हालेलुया। जिहड़े तुहाडे तों दूर गए, जिहड़े मदद नहीं कर पाए, उहनां दे लई वी बुरा ना सोचो, क्योंकि परमेश्वर ने हो सकदा खुद ठहराया होवे, उह तुहाडी मदद ना कर सकण ताकि तुसीं खुदा ते डिपेंड हो सको। हालेलुया। सो एक लाइन गाओ सारे, मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आउंदा हां, मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आउंदा हां, तू उहनां दा जवाब देके प्यार विखाउंदा ऐ। मैं जेड़ियां दुआवां तू उहनां दा जवाब देके प्यार विखाउंदा ऐ, मैं एवें तए नी ते तिन बणिया दीवाना हां, मैं एवें ते नी यसू तेरा बणिया दीवाना हां, तू बण के सहारा मेरा गल नाल लौंदा ऐ, मैं एवें ते नी बणिया दीवाना, तू बण के सहारा मेरा गल नाल लौंदा ऐ। सब कही आमेन। हालेलुया। एक बच्चे नाज जो मैं गैर भाषा च प्रे कर रहा सी दोपहर तो बाद, तो होली स्पिरिट ने मैं दिता है एक भेत, मैं थोड़े सारे ना शेयर करा। कौन कौन तैयार आ कि मैं शेयर करा? हालेलुया। मत्ती दी इंजील 22 अध्याय खोलिए सब जन, वो 15 आयत तो पढ़ांगे आप। मत्ती दी इंजील 22 अध्याय 15 आयत तो, तदों फरीसियां ने जाके मता पकाया जो उन्हों किस तरह गल्लां च फसाईए, अते उन्हां अपने चेलियां नूं हैरोदियां दे नाल उस दे कोल भेजिया, पई उस नूं आखण, गुरू जी असीं जाणदे हाँ जो तू सच्चा है और सच्चाई नाल परमेश्वर दा राह दसदा है, अते तैनूं किसे दी परवाह नहीं क्यों जो तू मनुखां दा पक्ष नहीं करदा, सो सानूं दस तू की समझदा है जो कैसर नूं जजिया देना योग है या नहीं। पर यीशु ने उन्हां दी शरारत जाण के आख्या, हे कपटियो मैनू क्यों परताउंदे हो। सब कही हालेलुया। सो सारे ने अगे भी बहुत वारी पढ़िया ये वचन, इदां ही है ना। हालेलुया। सो गौर करके देखो कि यीशु मसीह हाँ कहिंदे आ तां वी खिलाफियत हुंदी आ, ना कहिंदे तां वी खिलाफियत। जे उह कहिंदे कैसर नूं टैक्स देना चाहीदा वा, जिहदा कि उस टाइम राज सीगा, ते जिहड़े यहूदी तंग सी टैक्स तों उस टाइम, तो वह यीशु मसीह के खिलाफ हो जाने से। फरीसियां ने पूरे मजे हुए लोग यीशु मसीह नूं फसाउण लई भेजे। हालेलुया। ये यीशु मसीह कहिंदे नहीं टैक्स देना चाहिए, तो उन्होंने की कहना ही कैसर दा खिलाफियत, कैसर दा ये दुश्मन आ, लोगों नूं टैक्स देने तो मना करता ना, हाँ ते ना ना। हालेलुया। सो जब अज मैं गैर भाषा च प्रे कर रहा सी, तो लॉर्ड ने मेरे हिरदे च पाया कि मैं तुहाडे सब नाल शेयर करां कि जिंदगी दे हर मोड़ दे उत्ते एज ए क्रिश्चन तुहाडे कई सवाल आ। तुसीं कहिंदे हो कि ना बोलीए तो सरदा ही नहीं, नहीं बोलांगे तो गल बननी नहीं, तुहाडीआं रिश्तेदारियां वा, तुहाडे मिलण वरतण आ, तुसीं जॉब वाले आ, कई पासे जाने। पर मैं तुहानूं दसणा चाहुंदा, होली स्पिरिट ने मेरे ते जाहिर कीता कि अगर तुसीं उत्ते उहदे हजूर फेथफुल रहो तो उह राह कढ दिंदा है तुहानू बचण दा, ताकि तुसी आत्मा च भी रवो और तुहाडा काम भी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये अंदरली एक गल है जो तुसी ठान लैने कि मैं परमेश्वर नूं दुखित नहीं करना, मैं उहदे वचन नूं नहीं तोड़ना, उहदा वचन की दसदा है, चाहे मैं बहुत दुखी हाँ, चाहे चाहे कोई भी प्रॉब्लम आई हुई, पर मैं उहदे वचन नूं नहीं तोड़ना, तो परमेश्वर राह कढ दिंदा है। हालेलुया। हालेलुया।
यीशु मसीह ने की किया, हाँ किया या ना किया? कुछ नहीं किया ना। यीशु मसीह ने कहा सिक्का मेरे को लेके आओ। सिक्का दिता, यीशु मसीह ने सिक्के ते की दी तस्वीर आ कैसर दी। हालेलुया। ते कहिंदे जिहड़ा कैसर दा हो, जिहड़ा परमेश्वर दा हो, वो हैरान हो गए। बाइबल दसदी है और चले गए कि एक इहो जिहा आंसर दिता सी, पूरे हाई लैवल दे लोग भेजे सी यीशु मसीह नूं फसाउण लई। हालेलुया। अगर असी ठान लईए कि असी परमेश्वर दे विच चलना वा, अगर असी हियाम बन लीए कि असी उहदे आत्मा दे विच चलना, असी उहनूं दुखित नहीं करना, जमाना जो मर्जी कवे असी उच बने रहना है। हालेलुया। मैं तुहानूं कहना चाहुंदा जिहड़ा तुहाडा रिश्तेदार तुहाडे नाल बोलदा नहीं ना हैगा, तुसीं बने रहो परमेश्वर च, सही चाल चलो। उहदा फोन आवेगा तुहानूं, उहदा आप फोन आवेगा तुहानूं, और तुसीं कहोगे किद्दां होया? पता किद्दां होया? क्योंकि तुसीं दिल च किया, आत्मा चो बाहर नहीं जाना। हालेलुया। मैं आत्मा चो बाहर नहीं निकलना, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं परमेश्वर नूं दुखित नहीं करना। तो परमेश्वर आप उन्होंने दिलों च पाऊगा। आप वो लिखा जो परमेश्वर किसी तो प्रसन्न होंदा तो वो वैरी नूं भी की बना दिंदा है? मित्र बना दिंदा है। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣਾ। ਐਜ਼ ਏ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਰਾਈਚਸਨੈਸ 'ਚ ਵਧਣਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਖਿਤ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੂਹਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾ, ਦੱਸੋ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠਾਣ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਡੇ ਅਕਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਾਂ। ਸੰਡੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਡਨਲੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਢੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠਾਣ ਲਵੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਊਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਨੇ ਰਾਹ ਕੱਢਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਪਲੈਨ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਯਸਾਇਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਫੜੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਓਰਿਟੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਿਓਰਿਟੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਗਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਓਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰਿਓਰਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਤਮਾ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ।
बहुत सारे लोग जिहड़े परमेश्वर नाल चले आ, मैं उन्हां दी तुहानूं गल दसदा, वो अंदरों अंदरी उन्हां दा इक्को ही कोशिश हुंदी परमेश्वर दी प्रेजेंस। वो कोई भी गल बोलन बोलन तो पहला अंदर कमाउंदे आ अपनी गल, जे मैं बोलूँगा कि परमेश्वर दी आत्मा वल्लों आ इह कि उहदी उहनूं चंगी लगेगी, वरना मैं अपनी फालतू गल्लां क्यों छड्डां उत्ते, की मैं इंपैक्ट पाऊँगा, की मैं असर पाऊँगी उहदे उत्ते। जद परमेश्वर दा आत्मा ही ना होया तो चुप रहिंदे आ, ते परमेश्वर दा आत्मा खुद इंपैक्ट पा के दिखाउंदा उहनां नूं। अगर तुहाडियां कोशिशां फेल हो गई, उहदी आत्मिक जीवन नूं प्रियोरिटी दे के देखो। मैं तुहानूं कहना चाहुंदा, तुहाडे 100 प्लैन हो सकदे आ जिहड़े फेल हो रहे आ, तुहाडियां 100 कोशिशां हो रही जिहड़ियां फेल हो रही, माड़ा जिहा उह कोशिशां नूं परे करके आत्मिक जीवन नूं प्रियोरिटी दो। ते लिखिया उह मंगण तों पहलां जाणदा तुहानूं किहड़ियां चीज़ां दी लोड़ आ, उह कोशिशां तों बिना हुण पास करके तुहानूं दिखाऊगा। हालेलुया। तुसीं सारे लै पा रहे आ जिहदा वचन, यीशु मसीह ना हाँ कर सकते ना ना कर सकते, पर पवित्र आत्मा ने, क्योंकि वह पवित्र आत्मा दे नाल भर के चलिया वा, वह मनुख का पुत्र कहलाया वा, इबने आदम कहलाया, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई चुनू गाइडेंस की मिली कि सिक्का लै एहो जहा निकलिया कि वह भी हैरान रह गया। शैतान सिर खुरकदा रह जूगा कि मैं तेनों आड़ा फसाया सी, ये हर वारी निकल जाता, और तुसी कल्ला निकलते नहीं गे, नवा लैवल भी पाने। उस बाद ताली बजाइए जोर देना। हालेलुया। प्रियोरिटी दो आत्मिक जीवन नूं, मैं प्रार्थना च रहना, मेरे तो परमेश्वर दा आत्मा दूर ना हो। हालेलुया। 100 प्रीचिंगा किसी नूं असर नहीं कर सकदियां, और एक प्रीचिंग जिहड़ी पवित्र आत्मा द्वारा वो लाइफ बदल सकदी। हालेलुया। हालेलुया। तो सारे दे सारे प्रियोरिटी दो, तुहाडी हर जीवन दे हिस्से च ये देखो कि वचन की कहिंदा है। हालेलुया। जे वचन कहता है कि मेरा काम न्याय करना है, मैं न्याय करेगा करांगा, जे तेरे वैरी भुखे हो भुखा होवे तो उन्हूं खवा, जे प्यासा होवे तो उन्हूं इदां करके तू उहदे सिर ते किहड़ा ढेर लावेंगा अंगियारियां दा। हे प्यारिया, बुरियाई दे वटे बुरियाई ना कर, बल्कि भलियाई ना बुरियाई नूं जित लै। तुसीं वचन नूं फॉलो करो, तुसीं आप देखोगे कि तुहाडा ध्यान सीगा मैं वचन ना तोड़ दूँ, पवित्र आत्मा शोकित ना हो जाण, परमेश्वर करके दिखाऊगा। जे अज नहीं करूगा, हो सकदा महीने बाद करे, हो सकदा 10 महीने ला दे, हो सकदा साल ला दे, पर उस साल का निचोड़ कढ के तुहानूं मज़ा दूगा, उस साल का पूरा निचोड़ का मज़ा तुहानूं आऊगा कि खुदा ने जे तुसीं धीरज रखिया ना। यकूब यकूब की पत्री उहदा पहला अध्याय उच्च पता की लिखिया, प्रीख्या के काम नूं धीरज के नाल पूरा होण दिओ, इहदा वड्डा फल निकलूगा, बहुत वड्डा इहदा धीरज, तुसीं पूरे बन सकोगे, पूरे परफेक्ट, तुहानूं किसी चीज़ का घाटा नहीं होगा। वह आयत च लिखिया प्रीख्या के काम नूं धीरज नाल पूरा हो लैण दिओ, ये तुहाडे धीरज नूं वधाऊगी। प्रीख्या जदों तुसीं धीरज च बने रहोगे तो तुहाडे च किसी चीज़ का घाटा नहीं होगा। असीं चाहुंदे साडी लाइफ च किसी चीज़ का घाटा ना हो, डिवाइन हैल्परां का घाटा ना हो, गवाइयां का घाटा ना हो, रूहां जित्ती असीं हर दिन किसी चीज़ का घाटा ना हो। सानूं समझण दी लोड़ आ कि मैं आत्मिक जीवन नूं प्रियोरिटी देनी है। हालेलुया। आत्मिक जीवन ते शरीरक जीवन बड़ा ओपोजिट वा। तुसीं कई वारी शरीरक जीवन च बहुत कुछ कर रहे होंने तां वी रिजल्ट नहीं आ रहा हुंदा, आत्मिक जीवन तुसीं सिर्फ आत्मिक जीवन का ध्यान रख रहे होंने तो सारे रिजल्ट आ रहे होंगे। सारे सुन रहे, ब्लैस हो रहे। आत्मिक जीवन तो शरीरक जीवन च बड़ा फर्क आ। हालेलुया। कोई मेरे सिस्टर आए, मैं किसी ना गल नहीं शेयर की थी, पुलपट ते शेयर कर रहे हैं। वो आए, उन्हों दा इंग्लैंड तो आए, और उन्हों दा उन्हों नू हेल्प दी लोड़ सी, उन्होंने वापस चले जाना सी, उन्हों दा थोड़ा समान सीगा, वो कल्ले सिस्टर सीगे, वो कहिंदे थोड़ी मेरी हेल्प करो कि थोड़ा समान सिटन वाला वा, कारी कुछ कारी को ते मनैर भी हो, मैं मेरी मिसेज असी गए उन्होंने समान चक्या, हो असी कारी कुछ कारी को ते गए तो उन्होंने कौदी फिशकाले चलिया नहीं। उड़ा बंदा सी, वो इन्ना क हाइपर होके बोलिया, इटालियन 50 साल का होना, वो 50-55 साल बहुत हाइपर होके बोलिया, और मैं उन्होंने कहा कि इटालियन च क्या कालमा थी, मैं कहा तू इदा ही क्या, मैं सिद्धा तू गुस्से च का तू आके उन्हें जो इदा किया, और मैं पूरा स्पिरिट दे विच सीगा उस दिन, पूरा अंदर मेरे प्रेर दा आत्मा कॉन्टीन्यूज प्रेयर दे विच कॉन्टीन्यूज, और असी चले गए क्योंकि कार्ड नहीं चलिया, और मैं होर ब्रदर नूं लैके आया, उन्हां दा कार्ड चलिया, असी उत्थे रुके हैं, और असी उस सिट रहे समान, वो दोबारा आया हैलो करके मैनू कहिंदा, मैंने कहा कौमिस्ताई, मैं उन्होंने बुलाया, फैमिली सारे ठीक आ,
मैं उन्होंने बुलाया, मैं तो दोबारा आया, कहना भी मैं माफ़ कर दे, मैं तो थोड़ा गलत बोलिया गया। और उस तो बाद मैं उन्हें यसू का प्यार वंडिया, वचन वंडिया उस तो बाद। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी आत्मा च बने हो तुसी चलते फिरते भी रूहां नूं प्रचार कर लोगे, पर अगर तुसी आत्मा च नहीं बने तुसी शरीर नाल जो मर्जी कर रहे हो इंपैक्ट नहीं पा सकोगे किसी दे भी। अंदर तुहाडे की चल रहा वा? फरीसी ते सदूकी ते जिहड़े यहूदी सीगे पता की करदे हुंदे, कहिंदे यीशू तेरे चेले अंदर वड़दे जदों करे अपने आप नूं नहाउंदे क्यों नेगे, नहलाउंदे क्यों नेगे, हथ क्यों नहीं धोंदे खाणा खाण तों पहलां, पैर क्यों नहीं धोंदे? और यीशु मसीह कहिंदे सी तुसी जो पुराणियां दी रीत नूं ते फड़ी रखिया पर परमेश्वर दी मूसा दी शरा नूं छड्डता तुसी। इदां ही है ना बाइबल च लिखिया, कहिंदा पहिलां दसो अंदर नूं साफ करन दी लोड़ जां बाहर नूं। और वो कहिंदा तुसी मूसा ने कहा कि अगर कोई माँ प्यो नूं गलत बोले तो मारिया जावे, तो तुसी नवी रीत बनाती कि अगर कोई अपने माँ बाप की सेवा करन तो थक जावे तो उन्हूं कह सकदा कि बस इन्ना ही हो सकदा सीगा, तो वह अपने राह तो अपने राह। कहिंदा तुसी रीतां नूं फस्ट करता, ट्रेडिशन नूं फस्ट करता, तो वचन नूं मूसा दे नूं छड़ता, तो तुसी मैनू दस रहे ये रीतां वा। वो कहिंदा कुछ भी जो अंदर जांदा वो इंसान नूं प्रश्न नहीं करता, जो अंदरों निकलते बुरे विचार, जनाहकारियां, बुरे विचार, बदमस्ती, गाला गलोच, जैलसी। कि मैं प्रीच नहीं किया पिछले मंगलवार कि गुस्सा बहुत बुरा वा, पर जैलसी अगे कौन खड़ा रह सकता, ईरखा अगे कौन खड़ा रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। कुछ एहो जिहे लोग आ, दसो यार उन्होंने घर ले लिया, उनका उन्हें वो कहना भी नहीं चाहते मूँह तो, पर उनका मूँह ही उड़ जाता, पता लगता कि जैलसी ना भरे हुए है। मूँह तो कुछ नहीं कहना, मूँह उड़ ही गया, मतलब कि जैलसी इन्नी बुरी है, जिहड़ा बंदा जैलसी ना पोजेस्ड हो जाता ना, वो रिएक्शन नहीं बदल सकता मूँह के अपने, वो लफ्ज बदल सकता मूँह के रिएक्शन नहीं बदल सकता। हालेलुया, कौन कौन ब्लेस हो रहे हैं। कहतां जो तुहाडे नाल मैं पढ़िया कि गुस्सा बड़ा भैड़ा वा, पर जैलसी ईरखा सामने कौन खड़ा रह सकता, ये सब तो भैड़ा भैड़ी आ। पर कुछ लोग आ जिहड़े हर डेली प्रेयर करते, परमेश्वर मेरे खिलाफ मेरे दिल च अगर किसी लिए भी जैलसी है मेरे अंदरों बाहर कढ़ प्रभु, मैं तेरी आत्मा ना भरिया रहना चाहना, मैं नहीं चाहना परमेश्वर मैं तेन दुखित करा, तू मेरे तो दूर चल जाए। रोज प्रे कर दी आ, जो लोगों किसी ब्लैसिंग मिलती वो खुशी मनाते कि यार इनू ब्लैसिंग मिली आ, धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुसी अपना के देखना, तुहानू लग रहा मैं तो कसूता फस गया इस जगह से, मैं की करा, ये विआह ते मैनू जाना भी पैना वा, मैं की करा, वह भी तो चर्चों जा रहे इसे मैरिज से और मैनू भी जाना पैना वा। पर अगर तुम कुछ समा प्रेयर च रहो और कहो नहीं असी नहीं हले जवाब देना, असी प्रेयर च डटे हुए हैं, तुम परमेश्वर की वेट कर रहे हैं, तो अंदर कराई या रोना वा कि पवित्र आत्मा ना दुखित हो जाए। मैं तुम्हें सच कहना कोई राह योजा निकलूगा जोड़ा थोड़े तो आत्मिक जीवन के फायदे लिए और परमेश्वर प्रसन्न करेगा। यह सच्चाई आ। हालेलुया, कितने भी तुसी फस जाओ तो प्रेयर करना। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन ब्लेस हो रहे, प्रियोरिटी आत्मिक जीवन हो, तुसी आदत बना लो। जे चार जने घर बैठे असी किसी नॉन बिबलीकली डिस्कशन करनी नहीं, बिबलीकली डिस्कशन होगी, किसी चौथे बंदे की गल करनी नहीं कितने गल होर पासे ना चली जाए, ये गल्लां परमेश्वर की आत्मा शोकित कर देंदियां वा। मेरी गल नूं बहुत ध्यान नाल सुनना, अगर तुसीं चाहुंदे आत्मा च मच्योर होना, मसा शुदा होना और परमेश्वर नूं प्रसन्न करन वाले बनना, तो नॉन बिबलीकली डिस्कशन छड्ड दिओ पूरी तरह। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मंडली मीटिंग करते होंगे सी असी, हुण भी कई वारी आपां करदे, पर मैं पहलां दी गल दसदा, कोई भरा या भैण ने गीत मान लो गा लिया कि मैनूं भी अज मौका मिल रहा, तो उहने सुर च नहीं गाया जां उन्हें ताल च नहीं गाया, तो मैनू भी पता, मैनू भी लगता कि मैं थोड़ा बहुत अच्छा वजा लेना वा, तो गा भी लैंना, वर्शिप कर लें, मैनू भी पता वा, पर मैं गल नहीं की मीटिंग तो बाद। पर कुछ भैन भरा उन्होंने खिली उड़ाउणी उड़ाउणी, गल करनी ही करनी उस भैन की उस भरा की, तुहानू लगता कि परमेश्वर की आत्मा पसंद आया होगा।
हालेलुया। ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨੀ 'ਚ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਲਾਰਡ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਪੀ ਬਣਦਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ Hallelujah! Shaba baba rasanta raba baba baba baba. Libroko sakata raba na shanta raba baba baba. Sab kahiye Hallelujah! Sun rahe tusi Daud de cry nu, Daud de zabura nu. Dekho odiyan prarthna nu. Kehnda ji main un chhad da wa te ine mainu maar dena. Te ji mainu maar da wa te Parmeshwar te main tera doshi banda wa tere massa shuda nu maar ke. ਇਹ ਰੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਓਰਿਟੀ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਖਾਸ ਉਹ ਸੀ ਉਨੇ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ ਕੁਹਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਫਟਲੀ ਸੋਫਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਬਾ ਲੱਖਾ ਤਾ ਰਬਾ ਨਾ ਸਾਂਦਾ ਰਬਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਗ ਫੁਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਗ ਫੁਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਲੜੇ ਫੜਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਮ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਗ ਫੁਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਫਾ 'ਚ ਤੁਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ
मैं सब नु वफा च तुले आ मैनू यीशु जे लभे ना कोई यीशु जे लभे ना कोई मैं बड़ी वारी जग फुले आ मैनू यीशु जे लभे ना कोई यीशु जे लभे ना कोई जदों दायो दपला फड़े आ मेरी जिंदगी च गम रहना कोई जिंदगी च गम रहना कोई मैं सब नु वफा च तोले आ मैनू यीशु जे लभे ना कोई यीशु जे लभे ना कोई सब अच्छा उठा लिए परमेश्वर यहोवा आज मैं तेरा परमेश्वर वर्षिपर होंदे हुए एक एक जान ली प्रे करदा हां लॉर्ड परमेश्वर एक एक जान दी लाइफ च परमेश्वर हृदय आवे जेड़ा हमेशा हर समय सोचे कि मैं आत्मिक जीवन च बढ़ना है आत्मिक जीवन नूं प्रायोरिटी देनी है एक एक दी लाइफ ते ग्रेस उतरे परमेश्वर एक कृपा उतरे परमेश्वर एक एक दी लाइफ आत्मिक जीवन नाल भर जावे एक एक दी जुबान परमेश्वर तेरे वचन दे अकॉर्डिंग होवे परमेश्वर एक एक जन आत्मा ना भी परे और ग्रोथ करे परमेश्वर जड़ी रियली ग्रोथ है परमेश्वर एक एक लाइफ ले सके और हर एक भैन भरा दी लाइव टेस्टमनिया ना भरी होवे परमेश्वर वो गवाइया जड़ियां लोगों के विश्वास नूं वधाउण वो गवाइया जड़ियां लोगों नूं तेरे करीब लैके आउण वो गवाइया जड़ियां परमेश्वर नवीं रूहां नूं जित्तण परमेश्वर इहो जिहियां गवाइया ना तेरे लोग भर जाण परमेश्वर इहो जिहियां गवाइया ना तेरे लोग भर जाण परमेश्वर तेरे लोगों नूं परमेश्वर किसी भी चंगी शह की कमी ना होवे परमेश्वर और हत्थां नूं उठाइए मैं प्रे करदा हाँ लॉर्ड खुदावन जिदा तुसी एक मिशन ते फोकस कीता मेरी प्रार्थना सब जिन्हें भैन भरावान ने अज वचन सुनिया है और जिन्हें तेरे अगे चुक गए ने परमेश्वर एक फोकस उन्हों की लाइफ च आवे परमेश्वर तेरा विवेक उन्हों की लाइफ च आवे ते एक नवा विवेक एक नवा फोकस उन्होंने मिले परमेश्वर खुदा वो फोकस के नाल चल सकन ना खब्बे ना सज्जे मुड़न बल्कि तेरे वालू देखते हुए चलते जान परमेश्वर खुदावन परमेश्वर जिन्हें ऑनलाइन देख रहे उन्होंने जीवन च भी नवा विवेक नवा फोकस उतरे आवे परमेश्वर वो लोग तेरी आत्मा ना परन रोज परमेश्वर खुदावन जो दिन बुरे है उन्होंने मदद कर परमेश्वर अपनी आत्मा ना भर दी उन्होंने परमेश्वर खुदावन अगर कोई बीमार है उन्होंने अज छू परमेश्वर वो हर अंग से मैं तेरा दास सुनते हुए बोलता हाँ परमेश्वर चंगियाई नू मैं तेरा दास सुनते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम च हर वो अंग जिहड़ा पेन दे विच आ मैं उहदे उत्ते चंगियाई की घोषणा करता हाँ मैं उहदे उत्ते हीलिंग की घोषणा करता हाँ मैं उहदे उत्ते आराम की घोषणा करता हाँ मैं उहदे उत्ते घोषणा करता इत्थे चंगियाई उतरे आवे परमेश्वर एक एक शरीर के अंदर चंगियाई उतरे आवे परमेश्वर ऑपरेशन कैंसल हो जाण परमेश्वर जिहड़े डिले का आत्मा परमेश्वर अगर किसी की लाइफ च डिले का आत्मा काम करता डिले का आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम च उन्हां नूं छड्ड के चलिया जाए अगर किसी की लाइफ च रिजैक्शन का आत्मा काम करता नफरत का आत्मा काम करता उन्होंने लाइफ में छड के प्रभु यीशु के नाम के चलिया जाए परमेश्वर खुदा अज मैं प्रे करता हर एक जन हर लाइफ तेरे फेवर दे ना भर जाए हर एक लाइफ तेरे फेवर ना भर जाए परमेश्वर हर जिंदगी तुहाडी ग्लोरी दे नाल भर जाए परमेश्वर रोमियों 8 दे विच लिखिया जिन्हें तू बुलाया सद्या ते ठहराया उन्होंने तू महिमा दित्ती परमेश्वर खुदा तेरी ग्लोरी दे नाल हर लाइफ भर जाए परमेश्वर मैं प्रार्थना फिर तो करदा तेरी महिमा दे नाल हर लाइफ भर जावे तेरी ग्लोरी दे नाल हर लाइफ भर जावे परमेश्वर खुदावन इन्हां दे सिर तो तेल दी कटी ना होवे इन्हां दे वस्त्र उजले रहन राइचसनेस दे वस्त्र परमेश्वर धार्मिकता दे वस्त्र परमेश्वर पवित्रताई दे वस्त्र सामर्थ दे वस्त्र परमेश्वर बर्रे दे लहू दे वस्त्र परमेश्वर रबा बाबा बा संथा रबा बाबा 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 इन द नेम ऑफ जीसस हथन उठा के प्रे करिए परमेश्वर खुदावन जिन्हें लोग आने वाले दिनों बपतिस्मा लैन गए उन्होंने ब्लैस कर परमेश्वर जिन्हिया मीटिंगा ब्लैस कर जिन्हें लोग उन्होंने सफर ब्लैस कर जिन्हें नवे लोग आए उन्होंने ब्लैस कर परमेश्वर जिन्हें लोग आने गए उन्होंने ब्लैस कर हथा उठा के प्रार्थना करो परमेश्वर नवी रूह चर्च के आने परमेश्वर हथा उठा के प्रार्थना करो नवी रूह चर्च के लैके आ परमेश्वर नवी रूह लैके आ जड़े जड़े परमेश्वर बिल्कुल भी प्रभु तेन नहीं जानते ताकि चर्च जाके तेन जानन गॉस्पल सुन बचाए जाए परमेश्वर
बिल्कुल नवे लोग, दुआ करिए परमेश्वर बिल्कुल नवे लोग इस चर्च के नाल जोड़ परमेश्वर, बिल्कुल न्यू जेडे बोर्न अगेन हो इस चर्च के आके दुआ करिए परमेश्वर के अगे राबा संसा राबा बाबा 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 बा। तोड़े वो बंधन झूले सब उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे, रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा, रिहा 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 करेगा वो आज सबको रिहा, मसा 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 तोड़े बंधन उसका मसा, आ तू कदूस है खुदा, प्रार्थना करता हाँ अगर कोई बंधना चाचा आजाद हो जावे परमेश्वर, अगर कोई बंधना चाचा आजाद हो जावे परमेश्वर, होली गोस्ट दी फायर द्वारा आजाद हो जावे, अपने सिर ते हाथ रख के कहिए, अपने सिर ते हाथ रख के कहिए मैं आजादी नू रिसीव करता हाँ, मैं अपने छुटकारे नू रिसीव करता हाँ, छुटकारे नू रिसीव करती हाँ, अपनी लाइफ के हर कोने च मैं छुटकारे नू रिसीव करती हाँ, छुटकारे नू रिसीव करता हाँ, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost. In the name of Jesus, sab kahiye hallelujah. Main declare karda tusi azad life de har kone ch. Main declare karda tuhade mind, tuhade Bible ch likhiya hai ke ji to buddhi da kaata Yehova to mangiyo bin ulambe dinda hai, par shak na rakhe. Shak karan wala is tarah jidda samundar di shalwa. Eho ja manukh na soche ki onu kuch milega. अज हर शक का आत्मा तो लाइफ में छड़ के चलिया जाए, जो ते चंग्याई आ रही है उन्होंने रिसीव कर सको, तुम जो ते छुटकारा आ रहा है उन्होंने रिसीव कर सको, हर शक का आत्मा तुम छड़ के चलिया जाए, तुम विश्वास की आत्मा के नाल भर जाओ, सारे कहिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों नु बुलंद कर लिए और मेरे पिछे बोलिए प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुसा सबना दे नाल होवे, सब तीन वरी आमीन कहिए, हालेलुया। और एक वरी जोर ना ताली बजा दिए, जोर ला के ताली बजा दिए सब जन, हालेलुया हालेलुया। खुदावन तुहाडे नाल होवे, जल्द ओहदी प्रेजेंस फिर तो मिलांगे आपां, हालेलुया। और ओहदी आत्मा च बने रहो, आनंद च बने रहो। असी एक गीत गाने होंने पंजाबी, मैं मेरे चाचा जी साड़ी फैमिली, कि असा सुनिया येसू दे चेले रेंदे सदा वड़े विच मेले, पल्ले होण ना पैसे तेले रेंदे विच बहारां दे, हालेलुया। ना कोई खर्चे ना खर्चावे, ना कोई मुल हजारां दे, हालेलुया। अज तो खुदा ने हर तरह की ब्लैसिंग दिती है, पर खुदा दे चेले जदों जेबा खाली भी होंदियां उदों भी आनंद दियां जेबा नहीं खाली होंदियां, आनंद नाल भरे ही रेंदे आ, हालेलुया। रोमिया 12 दे विच लिखिया कि इस युग जे ना बनो बल्कि अपनी बुद्धि दे नवे होण करके, ते कुरंथियां पहला उहदा एक अध्याय उहदी सैकंड लास्ट ते लास्ट एच लिखिया वी हैव ए माइंड ऑफ क्राइस्ट, साडे अंदर परमेश्वर की बुद्धि आ। सो मैं तुहानू सारयां नू कहना चाहुंना जिहड़े हले भी पुराणी जिहड़ी लाइफ तुसीं आए आ उही बुद्धि नाल तुरे फिर रहे आ, तो मैं तुहानू कहना चाहना अपनी बुद्धि काढ़ के क्राइस्ट की बुद्धि ले लो। यस आमेन हालेलुया। मसीह की बुद्धि साडे विच आ, थिंक लाइक क्राइस्ट, डू लाइक क्राइस्ट, सिंग लाइक क्राइस्ट, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताडे शब्द दूजे नू ब्लेस करनगे जदों क्राइस्ट, तुहानू पता लगेगा, जो तुहानू पता लग जाऊगा कि क्राइस्ट लिव थ्रू मी। सोच के देखो तुसीं किसे नू बैड लव्ज कह सकते, अगर क्राइस्ट तुहाडे द्वारा लिव कर रहा है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਗਏ, ਮਾਈਂਡ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 5:17 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਤ ਬੋਲੀਏ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸਾਰੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਕਹੋ ਸਭ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ।